राखी कॉपी करने में मजा आने लगता है, दूसरे के राख देख के लगता है इन जैसी प्रभावित नहीं करूँ, इन जैसी प्रवचन नहीं करूँ, इन जैसी मोटिवेशनल में बन जाऊँ, इन जैसे में बन जाऊँ, क्यों बन जाए? मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगी जब मैंने बोली बोलने से जीवन चरित्र कहा, और पहली बार मैंने पहली 15 मिनट के अंदर एक बात कही उसमें, गुरुदेव सिंह के जीवन चरित्र में एक बात कही थी मैंने, और वो बात ये थी कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री का पौधिक भाव आदर्श नहीं है, हमें उनकी दृष्टि का जो विषय था ना पारिणामिक भाव, वो आदर्श है। जब मैंने ये बात कही ना तो थोड़ी सी लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोगों को लगता नहीं गुरुदेव की हमें राग भी अच्छा लगना चाहिए, भक्ति भी अच्छी लगना चाहिए, प्रवचन शैली भी अच्छी लगनी चाहिए, सब अच्छा लगना चाहिए। अच्छा वह होता है जिसका हम अनुकरण करते हैं। मैं प्रवचनकार नहीं बनना चाहता, मैं प्रभावनाकार नहीं बनना चाहता, मैं मंदिर का निर्माता नहीं बनना चाहता आनंद काल में, इतना निर्णय निर्णय खचे नहीं। राग तो आए ना तो तुम तो राग के पक्ष में तर्क कर रहे हो, निचली भूमिका है तो तुम निचली भूमिका का नाम लेकर राग का पोषण कर रहे हो। समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ? जो निर्णय नहीं करते वो पेंडुलम बन जाती है, खराब भाषा में कहे तो मिथ्या का जहर पीते, भोग तत्व का जहर पीते, कर्तत्व का जहर पीते, नहीं तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग हमारी तारीफ नहीं करते, लोग हमारी तारीफ नहीं करते, हमने इतना किया, जब देखो जब हमारी इंसल्ट होती है तू है कौन, नक्की तो कर पर तू है कौन। सुन तरकारी ध्रुव भगवान आत्मा उसे कहते जो प्रवचन नहीं करता, त्रिकाली ध्रुव उसे कहते जो पर का उपकार भी नहीं करता और अपकार भी नहीं करता, त्रिकाली गायक उसको कहते तुम कहाँ बैठ करके बोल रहे हो, बोलो। जवेरी जवेरी कह रहा हूँ, मान लो जवेरी बहुत बड़ा होता है, वो मुंबई में है ना, मुंबई में जवेरी बहुत बड़ा होता है, मतलब वो कभी सड़क पे झाड़ू लगाता है कि नहीं लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता है। अब उसकी दुकान के सामने कचरा पड़ा हो तो हो सकता है सुबह सुबह आकर वो थोड़ी सी झाड़ू लगा दे, तो क्या वो इसकी सेल्फी खींचता है? बोलो सेल्फी खींचता है? सेल्फी 2 बाल्टी पानी ला करके डाल दिया उसने, गटर की गंदगी बहा दिया, तो क्या वो स्वीपर बन गया? तो क्या वो कभी कहता है देखो मैंने गटर साफ की, देखो मैंने सुबह सुबह सड़क साफ की, कहता है वो ऐसा? तुम्हें क्यों लगता है? तुम 3 लोग के नाथ हो, नक्की करो ना नाथ हो। स्वामी जी की भाषा में आज तने सोख तू ना थी, जब सोखते ही नहीं है तो उसकी प्रशंसा कौन चाहे, और उसकी निंदा पर दया आई। मैंने एक बार कही थी पौधे भाव की चर्चा में, तुम यदि मेरे प्रवचन की आलोचना करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम मेरे आचरण की आलोचना करते तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने आज तक बुरा नहीं माना, मुझे तो याद नहीं है मैंने कि मुझे कभी बुरा लगा हो, क्योंकि मुझे पहले ही पता है जो जिसकी तुम बुराई कर रहे हो वो सच में बुरा है, और तुम जो बुराई कर रहे हो वो अनंत का भाग कर रहे हो, अनंत गुना है वो। मैं मुनि नहीं हूँ, मैं केवली नहीं हूँ, अनंत गुना दोष है अभी भाव का, और तुम जो बुराई करते हो बहुत कम करते हो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत कमियाँ हैं, मेरी मैंने औदयिक भाव की कमी, तो इसलिए मुझे आपकी आलोचना बुरी नहीं लगती। करो आप जरूर करो, मैं भी करता हूँ आपके साथ, मैं भी हूँ। मैंने तो प्रवचन पहले कहा है जिन्हें मेरी बुराइयाँ करना हो वो मेरे से ही पूछ लेंगे मेरे में क्या कमी है, तो आप ऑथेंटिक बता पाओगे? बिल्कुल बताओ सारी दुनिया को, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं? उसके कारण क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता। हम आपको प्रवचन नहीं करने देंगे, ओहो वो धन्यवाद कब होगा जब मेरे को प्रवचन नहीं करने दोगे, मैं खुद चाहता हूँ नहीं करूँ जी। भजन कब आएगा? जब ध्रुव का जोर होगा, जब गायक का जोर होगा, कौन रोके और ना कौन करे। केवली भगवान भी वाणी के हरानी के करता नहीं, अनंत महावीर भगवान देवधोनी खिलाने के करता नहीं, और जब खेलने का नंबर आए तो रोकने के करता नहीं। आदिनाथ भगवान की देवधोनी आधी रात को खेलने लगी तो उसके रोकने के करता नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम करवा रहे हो प्रवचन, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ,
कोई इसका करता है इतना निर्णय, पहले निर्णय करो, जब तक निर्णय नहीं करोगे आपको ध्यान रखना मैं कुछ कह रहा हूँ, दुखी होने से नहीं रोक पाएगा, नहीं कह रहा हूँ आप दुखी हो, रोने का नाम दुख नहीं है, चिल्लाने का नाम दुख नहीं है, तुम सदा दुखी हो, ये कह रहा हूँ सदा दुखी है। मैंने बताया था ना एक दिन आपको न्यूज पेपर की बात, जो प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं उन्हें दुखी करने की चाबी सबके पास होती है, क्या कहा मैंने, जो प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होने की आदत रखते हैं ना, मैं इसलिए अच्छा प्रवचन करूं, आप मेरी तारीफ करो, आप मेरी तारीफ करो, तो अब मैं दुखी हूं, आप निंदा करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, प्रशंसा करोगे तो बहुत दूर की बात है, मैं पहले ही दुखी हूं। ओहो, जो सुखी होने के लिए पर की याद करता, पर की अपेक्षा रखता है, ये दुख है। प्रवचन करने के बाद कोई प्रशंसा करे, इतनी अपेक्षा का ही नाम दुख है। दुख माने रोना, चिल्लाना, चीखना, इसका नाम नहीं है। अपेक्षा ही दुख है, क्या बोल रहे हैं, अपेक्षा ही दुख है। जियो, प्रवचन करो, ये भी व्यवहार की भाषा करो, करे कौन, हो रहा है, कर्म के उदय में ऐसा ही बनाव बनता है, हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन ज्ञाता का बल रखो, ये निर्णय करना पड़ेगा। नहीं करोगे कि ऐसे जब इधर से बोलोगे तो यही बोलोगे बाणी का करता हमने, तारीफ तो करना चाहिए, जी कैसे डिप्लोमेसी, बाणी का करता हमने और हमारी बाणी की तारीफ होनी चाहिए, तेरी बाणी आई कहाँ से, अशब्द का क्या हुआ, अशब्द के छह बोल का क्या हुआ, मैं लिख लिख करके इसलिए कहता हूँ, ये तो मेरे को जितना टाइम मिलता मैं लिखता, मैंने ये देखा है रात को मेरे को नींद नहीं आती कभी कभी, कोई जब प्रॉब्लम होती है ना विशेष और नींद नहीं आती, वही वही चीज़ रिमाइंड करती है मार्केट में दिमाग में, तो मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, मैं सोने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सोने की कोशिश में 2 बजे रात तक नींद नहीं आएगी, तो सोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरा, फिर मैं कागज़ पेन उठाता हूँ और जितने विचार आते हैं लिख देता हूँ, तो रिमाइंड खत्म हो जाता है, देखेंगे आप कभी वही विचार आ रहा है, वही विचार, एक ही विचार रिमाइंड होता रहता है, वही लेकिन लिख दो खाली हो जाता है, अब आराम से सो जाएगा। लिखना तो पड़ेगा, लिखे बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो मैं क्या बताऊँ, याद देखा वर्कशॉप अगली बार कभी आए तो देखते भावना बाहर है, कर्म तो बांध ही रहा हूँ मैं, वर्कशॉप 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 ये कर्म बांधना है, तो मुझे करानी पड़ेगी कभी, कहाँ होगी भगवान जी, क्योंकि जब जब ऐसे कर्म बांधते हैं ना वो आ जाती चीज़, लेकिन वर्कशॉप सीखने जैसी बात है। मैं फिर कहता हूँ आप दुखी होगे नहीं हो, दुखी होने का मतलब ये नहीं जैसे आज कर्म का उदय आया इसलिए दुखी हुए ना, मिथ्या दृष्टि कर्म के उदय के बिना दुखी है, अनिर्णय से दुखी है, निर्णय नहीं किया इससे दुखी है, दृष्टांति नहीं हो तो क्या करेंगे, आपको मालूम पड़ा कि आपका बेटा खो गया, फिर बाद में कन्फर्म हुआ कि वो दिल्ली में है, अब हम यहाँ से दिल्ली पहुँच गए, तो अभी दिल्ली पहुँचे सुबह सुबह 8 बजे, नहाएंगे धोएंगे मंदिर जाएंगे भोजन करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको चैन है तो काहे की दुख है आपको, भूख की दुख है, पसीना की दुख है, गरीबी की दुख है, कोई आपको सता रहा है, दुख तो कोई नहीं दे रहा, आप हंस भी रहे हैं खा भी रहे हैं, ये भी कन्फर्म है बेटा मेरा दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है ये कन्फर्म नहीं है, बोलो दुख किस जात का है, बोलो भूख का नहीं, प्यास का नहीं, कोई चीज़ का नहीं, पैसा है सब बात है, लेकिन ये चीज़ खाते खाते भी उपयोग कहाँ लग रहा है आपका, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है तो कहाँ है, भोजन करते करते भी ये दिख रहा है इतने बजे वहाँ जाना है, वहाँ पूछना है, डॉक्टर को पूछना है, पुलिस को पूछना है, रिश्तेदारों को पूछना है, पता लगाना है कहाँ हो सकता है, सुरक्षित है तो भी पता लगाना है, समझ गए, जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक दुख है। अब इतने में फोन आया, पापा मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एड्रेस बता दिया, फ्लैट नंबर ए बोली बली ऐसे बता दें, अब दिल्ली में जो भी होगा वो ना, मैं यहाँ पर हूँ विश्वास नगर में हूँ, पापा इस जगह पर हूँ, अब निर्णय हो गया, अब भले तुम सो जाओ जग जाओ खाओ पियो कुछ भी करो नहीं करो जो तुम्हें दिखा करो, लेकिन तुम एकदम आनंद में हो,
मेरा बेटा अमुक जगह है, अभी 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा, पॉइंट पकड़ में आया। ऐसे निर्णय करने के बाद मोक्ष हो नहीं हो इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कन्फर्म है कि जाऊंगा। निर्णय की बहुत बड़ी कीमत है। जो लोग कहते हैं परेशान होते हैं उन्हें समझना चाहिए कि निर्णय करो। बात समझ में आ गई थी? अभी निर्णय में तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे जो अभी हट करके बतानी है बात को समझो। बता दूं पेरेंटिंग की बात करना है मुझे, आज की तारीख में पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बच्चों को पहली बार ना बच्चों को कभी भी निर्णय सुनाने की कोशिश ना करें, उन्हें निर्णय निकालना सिखाएं, निर्णय करना सिखाएं। आपको लग रही हो मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, सबसे कठिन बात है मम्मी पापा स्टॉप इट डोंट से चुप, जो हम कह रहे हैं वो कर, ऐसा पहन, ऐसा खा, मतलब जो भी कुछ, मतलब ये जो आप फाइनल डिसीजन देते हैं ना, इससे बच्चे आपके इरिटेट होते हैं और उनको डिप्रेशन आता है और फिर वो मम्मी पापा को अपने सबसे बड़े एनिमी समझते हैं। नहीं, यदि बच्चा कुछ भी कहता है ना, बच्चा कुछ भी कहता है तो आप उसको तत्काल मना मत करिए और मुस्कुराइए, गलत से गलत कहे मुस्कुराइए। जैसे आज ही की एक बात आई, एक बच्ची अपने पेरेंट्स को ये बताती थी कि ये मेरी ज़िंदगी बेकार जा रही है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए और अगले जन्म में जन्म लेकर सही तरीके से जीवन जीना चाहिए, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ और मैंने बहुत गंदा, मैं जो भी उसको, छोटी बच्ची, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, कक्षा 1 या 2 की बच्ची। अब उसको जो भी सुन के लगा होगा कि उसको गलत है, मेरी वजह से मम्मी पापा हैरान होते हैं, मैं मम्मी को बहुत टॉर्च करती हूँ, दुखी रहती हूँ, जो भी उसको लगा होगा। अब छोटी सी बच्ची, तो पेरेंट्स से तुम डर गए कहीं मर नहीं जाए कुछ हो नहीं जाए, बहुत डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए। मेरे सामने वो बात आई तो मैंने वो बात समझाई, मैंने कि ऐसी बात सुनकर क्या कहोगे बोलो, आपके बच्चे यदि कहें हम स्ट्रेस में हैं और सुसाइड करना चाहें आप क्या कहोगे? मेरा तरीका बता देता हूँ, आप अपना मिला लेना। ओ बहुत बढ़िया, जरूर मरो, आप बैठो। कैसे मरना है सबसे पहले, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो सुन लो आप, वो कैसे मरना चाहता है, रेलवे पे जाना चाहता है, हवाई जहाज से गिरना चाहता है कि इलेक्ट्रिक से जाएगा कि हैंग करेगा, क्या करेगा, उसे उसकी तो सुनो पहले, उसका निकाल ले लेना फिर उसे कुछ। अच्छा मरना कंपलसरी, ठीक ओके फाइनल, तो अभी बताओ तेरे जीवन में माइनस माइनस क्या क्या है ये बता, तुम किन किन कारणों से इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हो, माइनस लिखो। फिर सुन तेरे में क्या क्या प्लस है ये भी बता, फिर सुन जो तेरे में प्लस है क्या दूसरों में है कि नहीं वो, और जो तेरे में माइनस है वो दूसरों में है कि नहीं, मतलब ये है एनालिसिस, इसको मैं कहता हूँ लिख करके सीखो, लिख करके, मतलब उस बच्ची को पहले दिन उसने कही नहीं उसको इतना एनालिसिस करा दो, लिखने दो उसको, फिर उसको बोलो देखो बेटा तेरे से भी ज़्यादा ख़राब मैं तेरे को डांटता हूँ ये मेरे में कमी है, तेरी मम्मी को डांटता हूँ ये मेरी कमी है, फला ऐसा करता हूँ ऐसी कमी है, मैं झूठ बोलता हूँ ये कमी, फिर अपनी माइनस लिखो, तो तेरे से पहले तो तेरे से ज़्यादा ख़राब तो मैं, तो पहले मुझको सुसाइड करना चाहिए, यस और नो बोलो, उससे पूछो कि पापा इतना तो हम भी नहीं करते जितना आप करते हो, तो फिर सुन अब मैं आत्महत्या करूँ तो फिर तेरी मम्मी का क्या होगा, तेरी सिस्टर का क्या होगा, तेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सारे लॉजिक उसी से पूछो लिखो, तो बेटे मैं सुसाइड करूँ कि नहीं करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ कि पापा आप अपनी कमियों को दूर करो सुसाइड मत करो, तो बेटा आप अपने बारे में क्या करोगे, पॉइंट सेवन है, हो सकता है 2 घंटे लग जाए उसका पूरा का पूरा दिमाग ब्रेन वॉश होने दो, आप अपना भी करो। बच्ची को आज ये समझ में आ गया कि सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो फिल्मों में देख देख करके, टीवी में देख देख करके, अखबारों में देख देख करके, बच्चों जरा कुछ है आपने देखा है, छोटे जीवन में बात नहीं सिखाई जा रही। मैं नहीं समझता हूँ आप में ऐसे कितने लोग होंगे, मैं नहीं जानता, जिनके मुंह से ये निकल जाता है जरा सी तकलीफ, जरा सी कम्फर्ट नहीं हुए, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, हे भगवान मर जाऊँगी, आग लगा लूँगी, रेल के आगे चली जाऊँगी, तुम्हारे साथ जिंदा रहने से अच्छा मैं मर जाऊँ, ये डायलॉग आप बोल रहे हैं इसका मतलब है बचपन में आपको डिसीजन नहीं कराया गया।
अब मैं ये नहीं करूँगा आप आज के बाद ऐसे नहीं बोलना, नहीं लिखो आप। सुसाइड करने का भाव अचानक आ जाए और अचानक मर जाना, ये अचानक नहीं होता है। आप करोड़ों बार सोचते हो तब एक बार मरते हो। कोई भी व्यक्ति पहली बार सुसाइड के विचार से नहीं मरता, एट रैंडम कोई नहीं मरता। जो फिर से सुन लो, सुसाइड करने का विचार आता है उन लोगों को जो हिम्मत नहीं रखते। हिम्मत नहीं रखते माने फेस करने की ताकत नहीं। आप अपने माइनस, अपनी असफलताएं, अपनी कमियों का फेस करना नहीं समझते। तो सुनो, फिर आप बच्चों को ये पढ़ाओ, बेटे असफलता जीवन का श्रृंगार है, असफलता जीवन का टॉनिक है। ये बात कोई नहीं कहेगा, सफलता की तारीफ सब करेंगे। जैसे ये बच्चे हैं ना, आपने देखा 10th और 12th के बाद बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते, जबकि आपको ये बात पता लगेगी कि वो बच्चा बहुत अच्छा था, फर्स्ट रैंकर था, अच्छा परसेंटेज वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी वो एंजाइटी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अचानक क्यों सुसाइड कर लिया उसने? इसका मतलब उसमें डेयर नहीं है, अपने फेल का सामना करना भी आना चाहिए। ये बात हमें पहले सिखानी है, बाद में नहीं सिखानी, पहले सिखानी है। हार को पहचाना आना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, आप पता नहीं कैसे देखते, मुझे नहीं पता। मैंने मैना सुंदरी में कहो कोई दिक्कत नहीं, अंजना कहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंदन वाला का जो धर्मपुर का नाटक है मैंने कईयों बार देखा होगा, और मुझे हर बार एक प्रेरणा मिलती है कि अपन यदि जेल चले जाएँ तो क्या, सारा जगत अपना विरोधी हो जाए तो क्या हो। लोग अपने पर ऐसे आरोप लगाते हैं जैसे उसको बेस्याले में बेच रहे, बेस्या उसे खरीदने तैयार खड़ी है। कैसा लगे, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मैंने कितना डेयर। सुनो, यदि असफलता को पहचाना नहीं आता तो आप सफलता के हकदार नहीं। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, अनुकूलता में इतनी तैयारी कर लो कि प्रतिकूलताओं में हम मुस्कुराते हुए पास हो जाएं। सुन की दू बोल भाई, एक चेतन था ना, कौन था चेतन क्या ना लड़का था, चेतन ने बच्चा कोई नाम क्या था, चलो जो भी हो सभी चेतन है ना। क्या बोला मैंने, सुन लो, स्वाध्याय कैसे करें? स्वाध्याय ऐसे करो कि अनुकूलताओं में ही प्रतिकूलताओं की कल्पना करो, अनुकूलताओं में ही इतनी तैयारी करो कि हम प्रतिकूलताओं में पास हो जाएं। ये ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। कई लोग ऐसा दुखी होते, भयंकर दुखी होते हैं शादी करने के बाद, दुखी होने वालों के 90% के डायलॉग है, हमने ऐसा नहीं सोचा था। इसलिए मैंने खुलेआम कहा, जिन्हें शादी करना हो पहले हमारे पास आ जाओ ताकि हम तुम्हें बता देंगे वहाँ क्या क्या होगा। मगर फिर तुम्हें नहीं कहना कि हमने ऐसा नहीं सोचा, तो सोचो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है सोचने की। अमेरिका जाओगे तो पहले नहीं सोचा था, क्यों नहीं सोचा था? रेलगाड़ी में भोजन करोगे तो पहले क्यों नहीं सोचा? एक जेल लड़का था और दिल्ली में एक पराठा गली है, पराठा गली समझते, पराठा बनता है, परोठा क्या बोलते हैं, निजामुद्दीन जैसे काले सराय की तरफ निकलती हैं, वहाँ बहुत लाइन से खड़े हो पराठे बना कर, तो वेज और नॉन वेज दोनों ही पराठे बनाती हैं, तो इतना टेस्टी पराठा बनाता, तुम खा मत लेना इस चक्कर में। तो एक लड़के ने मेरे से कहा बीजी साला कि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वो पराठा खाए बिना मुझे नहीं, मैंने वो खाता ही नहीं, इतना टेस्टी लगता है उसको, याद आती तो वहाँ जाके वो खाता ही। अब वो वेज और नॉन वेज दो ही बनाता है। अब इसने कहा कि मुझे वेज पराठा बना, लेकिन उसने गलती से नॉन वेज बना दिया, नॉन वेज बना दिया तो उसने खाया, फिर उसमें हड्डी का टुकड़ा निकला। तो उसने पूछा क्यों, ये तुमने मुझे वेज दिया कि नॉन वेज? तो सॉरी नॉन वेज, आप दूसरा खा लीजिए। अब दूसरा तो क्या बना दे, दूसरा क्या खाए, लेकिन जैसे वो आए नहीं तो जो गिलानी आई उसको गिलानी, उस दिन के बाद से उसका वो पराठा खाना बंद हो गया और वो हड्डी के टुकड़े ने उसको बंद करा दिया। तो ये बात उसने मुझे शेयर की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप ये पहले सोचो ना वहाँ क्या हो सकता है। ध्यान रखना, सबसे कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात नहीं कही है, आप सबकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए हो, मोक्ष मार्ग में नहीं चाहिए हो और लौकिक जीवन में नहीं चाहिए हो, तो पहले विचार एनालिसिस करना सीखो। जिंदगी इतनी छोटी है कि गलती करके सुधरने का अवसर नहीं देगी। क्या कहा, जिंदगी
इतनी छोटी है कि गलती करके समझने का अवसर नहीं देगी। अच्छा हो हम दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले, अपन वो गलतियाँ ट्राई नहीं करें, क्या कह रहे हैं, वो चीज़ हम ट्राई नहीं करें, दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लें। फिर से कहता हूँ, कई बार क्या होता है, हम सही बता दूँ आपको एक बहुत अच्छी बात, हम इसलिए नहीं लिख पाते अपने, क्योंकि वो विकार हमें पसंद है। हम पहले से ही एक इमेज कर लेते हैं, जैसे मान चलो मैं हाफोस की कमी बताऊँ, तो आप पहले ही अपने को क्या कहना चाहिए, दोष रक्षण बुद्धि पैदा हो जाएगी। दोष रक्षण बुद्धि क्या होती है कि आप पहले से तैयार हो जाओगे कि बोलेंगे तो बुरा ही बुरा बोलेंगे, अपने को छोड़ना नहीं। इसको कहते हैं दोष रक्षक, दोष रक्षण बुद्धि, मतलब अब आप सुनेंगे तो, लेकिन आप फॉलोअप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खाना है। ऐसे हमारी ज़िंदगी में जो विकार हमें अच्छे लगते हैं ना, उसका डिसीजन आप कभी नहीं करेंगे। यदि आपको बाजार में खाना पसंद है तो आप सुन भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, हाँ भी कर देंगे, यस यस ओके ओके आप सही कह रहे हो, बात तो सही है। अब ये तो लग गई ना, तो इसने बता दिया आप रक्षण बुद्धि पे हो। फिर से सुन लो, गोल की ये विशेषता है कि जिसको आप पसंद करते हो, जिस विकार को पसंद करते हो, खाना पीना चलना फिरना मिथ्या जो भी कर्ता बुद्धि, तो आप कर्ता बुद्धि से वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। आप जिंदगी भर रोते रहो मैं करता हूँ कर करके मारा जा रहा हूँ, कोई जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई हमें जरा थैंक्स तक नहीं बोलता, रो गया। हर माँ अपने बच्चे के सामने रोती है, छाती पीट के रोती है, हमने तुम्हारे लिए कितना किया बेटा, तेरे पीछे कितना किया, तू जरा सा भी हमको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी कुछ रियलाइज नहीं करता, तेरे को दया तक नहीं आती, हम रात रात भर रोते हैं, दिन दिन भर रोते हैं, हम तेरे लिए कितना करते हैं, कुछ खबर पड़ती है तेरे को, लेकिन बच्चा नहीं मानता, जब आपको तब तकलीफ हो रही, तो ये कर्तव्य का जहर पी है यार। देखो मेरे साथ भी वही स्थिति है जो आपके साथ है, मैं भी इतने भाइयों को देखता हूँ, रखता हूँ, आते जाते हैं, सब करती हूँ, लेकिन मैं मजे में क्यों, मुझे एक सेकंड की अपेक्षा नहीं, क्यों अपेक्षा नहीं, मेरा राग है ना, इसलिए कर रहा हूँ, उनकी वजह से नहीं कर रहा, एहसान नहीं कर रहा उनके ऊपर, ठीक है, मेरा राग है, आप आओ प्रेम से आओ, जा रहे चले जाओ, मैंने कभी टेंशन नहीं ली, क्यों, लेकिन जब आते हैं तो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, चले जाते हैं तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे कर्म के उदय में मिले ही नहीं कर्म। भाई जीने की कला तो आपको सीखनी पड़ेगी, मैंने इतना किया, तुमने किया क्या है, हमने तुम्हारे ऊपर कितना समय दिया, तो हमें भी समय दो। नहीं, मैं अपने भाइयों से तक कहता हूँ, मेरी समाधि तुम कराओगे नहीं है, मैं सबकी समाधि कराना चाहता हूँ, मेरी समाधि ऑटोमेटिक होने वाली है, कौन निमित्त बनेगा, कहाँ निमित्त बनेगा, तुम्हारे भरोसे नहीं है हम, मैंने ले हाथ दे हाथ नहीं, ले हाथ दे हाथ समझ गए, हमने तुम्हें किया तो तुम हमें करो ना, यदि मैं विश्व बंधुत्व करूँगा तो उसका फायदा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, हमें क्या लगता है मैं उसे रोटी खिलाऊंगा जो मुझे खिलाए, तो मिथ्यात रहे, सुनो तुम जगत में किसी को भूखा नहीं देख सकते, सुनो अब तो अनंत काल भूखे नहीं रहोगे। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि ये नीरेस्ट है, अभी एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा, आपके सबका काम का, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम रिलेटिवों के लिए इतना करते हैं, लेकिन वो हमें उसका जस्ट रिटर्न नहीं देते, समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा सुनो आप जस्ट रिटर्न की आशा कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों के साथ बात करना चाहते जो स्टेटस वाले हैं, आपके 100 रिलेटिव हैं, 100 में से 2 हाई फाई हैं आपसे भी ज़्यादा, तो सही बताना आप उनसे ज़्यादा मुस्करा के बात करते हो, उनके यहाँ ज़्यादा जाते हो, उन्हें ज़्यादा खर्चा करते हो, उनसे ज़्यादा रिलेशन बनाना चाहते हो, लेकिन 98 ऐसे हैं जो आपसे लोअर हैं, बोलो आप 98 जो लोअर हैं उनसे कितनी बात करते हो, उनसे कितने उनके घर के जाते हैं, कब जाकर कहते लाओ हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, कितने लोगों को फ़ोन करते बेटे आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है इसमें 12th में, इस समय मौसम माहौल ऐसा है, उसको बोलना ऐसे नहीं करे, रिपोर्ट लेना उसकी थोड़ी सी, और सुनो तुम्हारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, आप बताओ अपने से लोअर क्वालिटी के कितने रिलेटिवों को फ़ोन लगाते हो। सुनो तुम ये बोल रहे कि हमने 2 रिलेटिव पे 1,00,000 खर्च किया लेकिन रिटर्न नहीं आया, सुनो 98 भी तुमसे यही कह रहे, आप मेरे से सुनोगे, मेरे से मैं सबसे लोअर होगा ना उससे बात करना चाहूँगा,
कि आप 98 से बात करो, ये दो ऑटोमेटिक तुम्हारी तारीफ करें। समझ में आया कुछ? मैंने अभी बताई ये सब, समझने की बात है। ये हाथ कमजोर होता है, एक हाथ, और दोनों हाथ का लोग बना होता हूँ, लोग बना मजबूत कौन होता है? क्यों ऐसा मजबूत होता है कि ऐसा मजबूत होता है? समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? हम सारे साधर्मी, सारे विद्वान, मैं विद्वानों से कहूँगा तो सारे विद्वान, आप साधर्मी तो साधर्मी, इनमें छोटी उंगली भी है, मोटी उंगली भी है, अंगूठा लंबी भी है, ये भी है। बोलो अब कितनी ताकत आई आज की तारीख में बताऊँ? बहुत बड़ा पार्ट, हम आप ये नहीं करना चाहते, हम इंटरलॉक सिस्टम नहीं लगाना चाह रहे आपस में। एक लड़का सोचता मेरे भाई कुछ भी करे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ओनली बस। अब तू तो कमजोर हो गया भाई, हम दो, हमारे दो, बस छुट्टी, बाप कोई मतलब नहीं, चाचा काका बाबा कोई मतलब नहीं, तब इंटरलॉक कैसे होगा? कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आपको रिलेशन बनाने आने चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस में जियोगे आप। समझ रहे बेटे, बहुत बड़ी बड़ी बात है कह रहा हूँ अनुभव की। ऐसे हम करते, मुझे पता है मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास इतना भी है, लोग कहते हैं कि आपको करोड़ों रुपए का आश्रम बना देते हैं, आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो बस। मैंने नहीं स्वीकार किया, मुझे इंटरलॉक पसंद है, मुझे ये बच्चे पसंद है, मुझे युवा पसंद है, मुझे सारे देश पसंद है, जी मेरा इंटरलॉक है, मेरा काम इधर से होने वाला है, पैसे से नहीं होगा, पैसा मुझे अकेला कर देगा। इसलिए मैंने लिख रखा है, मैंने जितना सोचा है सब लिखा है। ब्रह्मचारी को पैसा लेके नहीं निकलना चाहिए, पवित्रता लेके निकलना चाहिए। पैसा उसे अकेला कर देती है और पवित्रता उसको इंटरलॉक कर देती है। नहीं समझ में है? फिर से समझाता हूँ। नाम है, अच्छा बच्चा है, नाम क्या है तेरा? हित न, तो हित की बात ही बताता हूँ, है ना। अभी ये लड़का खड़ा हो जाए और ये कहे कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, मैं पंडित जी का फैन हूँ। अब जब तो इसकी मम्मी सबसे पहले यही सिखाएगी, तेरा क्या होगा, रोटी कहाँ मिलेगी, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमारी में क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। आप सब भी यही कहोगे, बेटा अपनी पत्नी काम आती है, अपने पैसे ही काम आता है, बेटा अपने लोग काम आते हैं, दुनिया में कोई बोलो। इसका मतलब आज के बाद तुम्हारी दृष्टि में कोई को सम्यक दर्शन नहीं लेना चाहिए, कोई को अनुव्रत नहीं लेना चाहिए, अब 18,500 वर्ष में किसी को मुनि नहीं बनना चाहिए, यही हुआ ना आप कहाँ से? अब सोचो आपने कितना विपरीत निर्णय करके मिथ्यात का बंद कर रहे हो। मैंने आपकी नज़र में 18,500 वर्ष कोई किसी का नहीं, कोई साधक नहीं होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सोचो आपका निर्णय गलत है इसका, इसलिए मैं कहता हूँ लिख के निर्णय करो, बोल के निर्णय करो। हमसे पूछो, बच्चे को कहो बेटा यदि तुम इंटरलॉक रहोगे ना, सबको अपनाओगे, तो तुम कभी अकेले नहीं होगे। और मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही तो क्या कह रहा हूँ, आपको पता ही है मेरा, मेरे को हिंदुस्तान में पता नहीं, मुझे लगता है, मुझे तो लगता है, तुम्हारी क्या लगता है मुझे नहीं, शायद सबसे ज़्यादा मैं ही घूम रहा हूँ। एक साल में 100 जगह एवरेज है, एवरेज 100 जगह। मेरे तो मेरा खान पान नियम मर्यादा कहीं नहीं छूट रहे, मैं खूब प्रेम भी कर रहा हूँ, प्रवचन भी कर रहा हूँ, स्कूलों में भी जा रहा हूँ, कॉलेज में भी जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ, दुनिया में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? मैं भी चाहूँ तो कुछ नहीं बोलना, अपने बैठे रहो, गायक आह दुनिया सब ऐसी कोई काम का नहीं, बस मैं भी कर लूँ, सब बेकार हैं, पंचम काल के हैं सब, माया नगरी के हैं सब, पापी हैं, बस खत्म। नहीं, सब भगवान है ना। यदि कोई आप सुन लो, आपसे कह रहे हैं, आपको यदि मोक्ष मार्ग की रक्षा करना हो, कोई आपके सामने कहेंगे हम ब्रह्मचर्य ले रहे, सुनो बेटा ब्रह्मचर्य के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पवित्रता की जरूरत है। बेटा ये देह तुम्हारी नहीं है, किसी की सेवा करना पड़े तो इस देह को लगा देना बेटा,
किसी को प्रेम करने में, प्रेम समझ गए, वो प्रेम नहीं फिल्मी प्रेम भाव हो सब जीवों से, जीवों से हो बेटे, आधी रात को भी जरूरत पड़ जाए तो पूजा छोड़ देना, लेकिन भाभी भगवान की सेवा करना बेटे, भोजन भी छोड़ देना, भाभी भगवान को भोजन कराना बेटा, ऐसा छोड़ देना, स्वाध्याय इसका नाम नहीं बेटे, ग्रंथ पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, तुम किसी को भगवान देखना सीख गए ये स्वाध्याय है। क्या कह रहे हैं जल्दी से कह गए, क्योंकि तुम एक जी को भगवान देख लोगे ना और स्वाध्याय पूरी हो गई, तो मम्मी पापा को भगवान देख लोगे ना स्वाध्याय हो गए, तो इन सब जीवों में भगवान देखोगे ना बस, इसके बाद राग देश रह जाए तो बता दे, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ, ये सिखाने की जरूरत है, तो निर्णय करोगे तब इन निर्णय पे पहुंचोगे, नहीं तो मालूम क्या बोलते, सब तो कहने की बातें हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कहने की बातें हैं, बात तो सही है, लेकिन ऐसा कोई होता थोड़ी है, सब अपने अपने स्वार्थ के होते, ये तुम्हारा डिसीजन गलत है। चाहे मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक वैश्विक परिवार मिला है, वैश्विक परिवार नहीं समझ में आया कुछ, जितने अच्छे से भोजन मुझे मिलता उतने से तुम्हें किसी को नहीं मिलता, कितनी भक्ति से होता है, कितनी शुद्धता से होता है, बड़ी उससे होता है, तो यही तो परिवार और क्या है, बस बताऊंगा एक बार, आपके परिवार में खराब होते हैं ना कोई मेंबर, उसका कष्ट आपको भोगना पड़ता है, मेरे परिवार में है ही वे जो सब अच्छे हैं, जो अच्छे से देखते हैं, अच्छे से बातचीत होती है, तो बड़ा परिवार अच्छा हुआ कि छोटा परिवार अच्छा हुआ, सोचने का अपना अपना तरीका है, तो इन बच्चों को ये बात सिखाओ बेटे, दुनिया में कहीं जाओ घृणा करना मत सिखाओ, नफरत करना मत सिखाओ, इन बच्चों को कभी नहीं सिखाओ, ये मुसलमान है, ये हरिजन है, ये अंडे खाते, ऐसे नहीं बोलो, सुनो बेटे सबके फूड कल्चर का सम्मान करो, ऐसा नहीं तो अंडा खाने वाले तुम्हें छू लिया, तुमने छू लिया छू 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 अब मार्केट में ऐसे जिंदा रहना पड़ेगा आपको, स्वीपर का बच्चा ही पढ़ने आएगा स्कूल में, आप फैला नहीं सकते जात पात, लेकिन समझेंगे आप, खाने नहीं लगेंगे होटल में, खाएंगे पिएंगे नहीं, बस सभी लोग आ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आप लिख के बात करो, होटल में चाय पीना मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, होटल में चाय पीना कैसे संभव है आप मुझे समझा, और नहीं तो एक काम करो मुझे पिला लो, तब आपको दिमाग अपने आप काम करेगा, ये पंडित जी तुम्हें होटल में चाय पीऊँ छो क्यों, आप पी सकते तो मैं नहीं पी सकता, लेकिन पंडित जी मतलब पानी ठीक नहीं है तेरे लिए लेकिन मगर गिलास ठीक नहीं है, सुबह सुबह स्वीपर पीते हैं, और जो सुअर का मांस खा के आते हैं वो भी पीते हैं, और जिनको HIV होती है वो भी पीते हैं, और जरा से पानी में धो देते हैं, तो अब मेरे नाम पे तो जिस समय याद आया और तेरे नाम पे बात तो हाची मेरा मतलब आप देखना, आप मेरे नाम पे जितना एनालिसिस कर सकते हो तो अपने नाम पे क्यों नहीं कर सकते, समझ गए, बच्चों को कभी भी डिसीजन मेकिंग करना सिखाइए, बच्चा डिसीजन एक बार कर लेगा ना जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, जैसे शादी का डिसीजन एक बार कर लेता है ना खूब मेहनत लगती है उस समय, ऐसा कोई नहीं जो शादी के समय दिमाग काम नहीं करता, ऐसे भौंदू जैसा नहीं होता, चल शादी कर यस मत कर चल, ऐसा कोई भौंदू नहीं, वहाँ तो बहुत दिमाग चलना उसका, करूँ नहीं करूँ, पापा तो कह रहे हैं, मम्मी तो कह रही है, ऐसा तो है, दिखने में थोड़ी मोटी है, वैसे तो ठीक है, कितना दिमाग लगाता है वो, फिर आखिरकार फाइनल टच होता है कि वो ठीक है, तो ऐसी ऐसी तत्व निर्णय में करो, मैंने कुछ बताई आपको ऐसी ऐसी बातें, और भी ढेरों बातें हैं, आप बच्चों को एनालिसिस करना सिखाइए। दूसरी बात, कम्फर्ट जोन में मत रखिए, बच्चे को कपड़े धोना सिखाइए, चाकू पकड़ना सिखाइए, पेंसिल उससे क्या कहना था ब्लेंड से सही करना सिखाइए, हाथ कट जाए तो रोइए में ओ हाथ टूट गया, अभी जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, कट गया बेटे, हाँ तुम पार्श्वनाथ भगवान की संतान है,
वीर है तू बेटे, कट गया ना, वेरी गुड, ऐसे बोलो। अब आइंदा कभी कभी मत छोड़। तो तुमने उसको कमजोर कर दिया। कभी बच्चे का डेयर कमजोर मत करिए, वो दो चार बार आपको सुना दे मैं डरता हूँ, भय लगता है, घबराता हूँ, चल एक बाबा के पास ले जाकर तुझे लगवा देती हूँ। मैंने लिखा है अपने उसमें, जो अपने छोटे से बच्चे के गले में कुछ डाल देते हैं वो जिंदगी भर के लिए कायर बना देते हैं। जब भी कोई घटना होती है तो उसे वो याद आती है, जब भी कोई घटना होती है तो वो कहती मेरी मम्मी ने बोला था। जिस दिन वो धागा टूट के गिरता है रोएगा वो, अब क्या हुआ, अब मरा, अब एक्सीडेंट हुआ, अब भूत आया। बिल्कुल नहीं, कभी विपरीत मिथ्यात के काम मत करिए, डालिए ही मत, उसे डेयर बढ़ाइए, वैसी स्टोरियां सुनाइए, वैसी बात करिए। बहुत अच्छी घटना है, मैं सब कुछ सुनाता हूँ। मतलब एक लड़का की डिक्लेयर हो गई कि इसकी आयु कम है, बता दिए ज्योतिषी ने इसकी आयु कम है। अब उसकी शादी का नंबर आया, लड़का तो सुंदर था, वीर था, लेकिन वो सामने शादी का रिश्ता आया। बोला तुम लोग क्या करोगे, यदि तुम्हारी लड़की की आयु कम हो तो तुम क्या करोगे, छिपाओगे कि बताओगे। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। अब ये सत्य की परीक्षा, उसकी माँ चली गई उसके पास, लड़के की माँ, लड़की माँ के पास चली, मेरे बेटे की आयु कम है, बाकी सब बातें अच्छी है, सुंदर है, बलवान है, बहुत अच्छा है, हीरो है, लेकिन आयु कम है। सोचो जरा, अपने कलेजे में हाथ रख के सोचो, हम कितने सेल्फिश हो सकते हैं इस समय, कि हम सोचते हैं नहीं, भले ही सुंदर है, भले ही वीर है, भले ही महापुरुष है, लेकिन हम अपनी लड़की नहीं देंगे, क्योंकि विधवा होने के लिए लड़की नहीं दी जा सकती। फिर वो बात आगे बढ़ती, ज़्यादा लंबा तो मुझे नहीं करना, शॉर्ट में समझाना है। तो राजा के पास गई बात, राजा के पास, कि इनका पुत्र कम आयु वाला है और पक्का है कि वो कम आयु है, तो हम अपनी लड़की कैसे दें इसको। तो राजा का उत्तर सुनने लाएगा, राजा बोलो आपको राजा बना दे तो आप क्या निर्णय लोगे। सोचो जरा, मैंने ये है परीक्षा। राजा ने कहा सुनो, यदि कम आयु होने से हम लड़की ना दें इस न्याय से, तो फिर किसी भी सैनिक की शादी नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात, मत बनते, अपना क्या जाता, कौन अपना लड़का सैनिक बनेगा। हो सकता है आप ऐसा सोचो, मत बनने दे, लेकिन अब मैं आपसे आगे पूछता हूँ, इसका मतलब फिर किसी कोई भी माँ अपने बेटे को सैनिक नहीं बनाएगी। अब दूसरी स्टेप भी तकलीफ, फिर राजा को भी कोई पत्नी, राजा को भी कोई लड़की नहीं देगा, राजा भी युद्ध के मैदान में जाता, वो मर जाएगा, तो फिर हर राजा को ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा लड़का राजा भी नहीं बनेगा कभी। सोचो तो जरा, कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। सुनो, इसका मतलब फिर जितने वीर पुरुष हैं वे सब ब्रह्मचारी होंगे, और जितने कायर हैं उन्हें तुम शादी करोगे, उन्हें अपनी लड़की होने दोगे जो खुद कायर है। एक जरा सी एक लाइन की मिस्टेक से पूरा का पूरा राष्ट्र कायर हो जाएगा। एक दिन वो आएगा जब एक भी वीर नहीं होगा। सोच रहे हो, कायर की संतान कायर होती चली जाएगी, डरपोक की संतान डरपोक होती चली जाएगी। अब बोलो, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप अपनी लड़की वीर पुरुष को दोगे कि कायर को दोगे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, कहो तो एक घंटा समझाओ। सोचो, सोच रो, निर्णय कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं निर्णय। आखिरकार उसने अपनी लड़की उसको दी, मालूम है तो भी दी, क्योंकि बहुत बड़ा विप्लव हो जाएगा ये तो। फिर तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी वीर पुरुष नहीं बचेगा। बोलूँ कुछ, थोड़ा बहुत बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ। आज महावीर भगवान के जाने के बाद से कायर लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैंने कुछ इशारा कर दिया, ब्रह्मचारी के नाम पर, त्यागी के नाम पर, विद्वान के नाम पर। हम में से कितनी माँ होंगी जो अपने बेटे या बेटी को शास्त्री बनाना चाहेंगी, कितनी माँ ऐसी होंगी जो एक सिंगल चाइल्ड रखती हैं, एक सिंगल चाइल्ड, उन्हें अपनी सुविधा तो दिखाई देती है, लेकिन आप कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो सुकुमार की माँ बनने से इनकार कर दे, एक ही बेटा है, एक ही बेटा है पंडित जी, एक ही बेटा है, ब्रह्मचर्य लेगा तो हमारा क्या होगा, बुढ़ापे का फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, धर्म का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं।
तुम्हें कैसा लगेगा? एक भी ब्रह्मचारी जब इस तल पर नहीं होगा, एक भी विद्वान नहीं होगा, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होगा, सोचने जरा। अनिजे तो ऐसी बात हो गई, हमारा बेटा सैनिक नहीं बनेगा, देश की रक्षा तो कंपल्सरी है, तो उनका उनका बेटा मरने जाएगा, हमारा बेटा थोड़ी जाएगा। तो कांजी स्वामी का और महावीर भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए कौन सा बच्चा आएगा? क्यों, आपका तो 90+ है, वो तो अमेरिका जाएगा। जब तक मैं ये सोच खराब है, कायरों की संख्या बढ़ती जाएगी। कायर का मतलब समझ गए, रात्रि भोजन करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अच्छी लड़कियाँ भी हैं आज, अच्छे लड़के भी हैं। जब कोई बातचीत आती शादी सगाई की, तो मन क्या आती, ए अभी से नहीं खाती, आलू नहीं खाती, रात को नहीं खाती, ए ये लड़का अभी आइसक्रीम नहीं खाता, रात को खाता नहीं, फला नहीं करता, ये नहीं करता, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। बोलो, हिम्मत की बात है, हिम्मत। आपका जमाई नंबर वन का ईमानदार है, एक पैसा रिश्वत नहीं खाता, गलत काम नहीं करता, इसीलिए उसका मकान सिंपल है, कपड़े सिंपल हैं, और सब उसकी मजाक उड़ाती, बेवकूफ सब मजाक उड़ाते। बोलो, आप में से किसकी ताकत होगी कि अपनी लड़की उसे दो? ये है परीक्षा, ये है निर्णय, ये है तत्व निर्णय। जब आप इन सब निर्णयों में फैले तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पोपा भाई की राय न थी, और आप चाहो तो इसीलिए मैंने गुरुदेव का जीवनचरित सुनाया था 30 घंटे का, फिर सुन लो आप। मैंने गुरुदेव श्री का जीवनचरित इसीलिए सुनाया था कि सम्यक दर्शन के साथ सहचारी परिणाम कैसा होता है। गुरुदेव श्री को जरा भी क्या कहना चाहिए, लूज पसंद नहीं था बिल्कुल भी, खाना पीना उठना बैठना जरा लूज पसंद नहीं था। जैसे उनका जीवनचरित सुनाने का मुझे मूल भाव आया था, इसलिए और तो कोई खास बात नहीं। अभी हमें क्या लगता है, सब चलता है, बाजार का भी चलता है, वो भी चलता है, अनुमान भी हो ना कि इसमें गलत हो सकता है, अब ज्यादा पता नहीं लगा, फिर खाएं कि नहीं खाएं? नहीं नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है, खाएंगे तो कम से पता तो है गलत खा रहे हैं। आज नहीं 100 साल में छूट जाएगा, 10 साल में छूट जाएगा, 10 जन्म में छूट जाएगा, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग समझ के खाएंगे, खा लो लेकिन निर्णय जरूर करो। दर्शन मोह मिटना इसी का नाम है कि रॉन्ग साइड जाने पर भी पता है कि रॉन्ग है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। बच्चों को समझाओ थोड़ा सा, उनके पास ऊपर खेलने या नीचे चले जाएंगे, जिनके बच्चे वहीं जाके बोलो भाई मैं आऊँ क्या। समझ आ रही मेरी बात? कुछ बच्चों को पालना आज की तारीख में बहुत कठिन है। कायर नहीं बनाइए, बिगाड़िए मत, उनको निर्णय करना सिखाइए, काम 100% सिखाइए। हम क्या कहते हैं, बाजार में मत खाना, बाजार में मत खाना, लेकिन जो खुद एक नींबू नहीं बना सकता, ककड़ी नहीं बना सकता, एप्पल नहीं बना सकता, वो बाजार में नहीं खाए तो क्या करेगा? जो कपड़े नहीं धो सकता वो नहीं धुलवाएगा तो क्या करेगा, बताइए ना। जो झाड़ू काटना नहीं जानता हुआ तो वो तो बीमार हो गई। जैसे कपड़ा निचोड़ना नहीं आता, एक बार बता दूं, पूरा वर्ल्ड नौकरों से दुखी है, धुलवा लो, कोई माई का लाल बता दे नौकर के बल पे सुखी हो। चादर हर 7 दिन में धुलनी चाहिए बिस्तर की, नौकर थोड़ी धोएगा, ये तो तुम्हें पता होगा तो धोगे, नौकर तो तुम्हारे को कपड़े धो देगा ही फटाफट, लेकिन ये तो आपको अक्कल में होनी चाहिए। पर्दे कितने दिन में धुलने चाहिए किसी को पता नहीं होगा, एक्सपायरी डेट क्या है पर्दे की, है कुछ नहीं मैंने हमें पता ही नहीं लगता कि वो भी गंदे होते, लेकिन नहीं, महिलाओं के अवकाश के तत्काल बाद उनकी धुलाई हो जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से बच्चों ने छुआ हो, हमने छुआ हो, किसी ने छू लिया हो तो उसकी शुद्धता हो जाए। तो हर महीने कम से कम पर्दे धुल जाने चाहिए, चादर हर 7 दिन में धुलनी चाहिए। अब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई धर्म है, इसमें स्वच्छता है, कीटाणु नहीं पड़ेंगे। ये बहुत बेदर्दी है कि तुम्हारी गलती से इतना केक मैल जम गया कि उसमें इतने वायरस जम गए और फिर तुमने इतना थोड़ा में डाल के उन्हें धो दिया, जो तुम्हारी बेदर्दी है। ज्ञानी को करुणा आती है,
सात दिन में धोगे उसमें इतना मेल इकट्ठा नहीं होगा, गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, तो वायरस भी नहीं होंगे और साबुन भी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। तीन चार पाँच छः सात दिन में डाल दो। कैसे डाल दो? सारे घर के कपड़े धुलते तो पानी इकट्ठा हो जाता साबुन वाला निचोड़ने वाला, तीन वाला तीन होने एक दो तीन बार करते उसी पानी में डाल दो, झाड़ू पोछा करके आओ 15 मिनट बाद निचोड़ दो, बस धुल गई। उसमें साबुन नहीं लगानी पड़ेगी आपको, अलग से साबुन नहीं लगानी पड़ेगी, उसी साबुन की तिखास में ही धुल जाएगी वो, ऐसे पर्दे धुल जाएंगे, एक्स्ट्रा हिंसा नहीं होगी और वायरस भी पैदा नहीं होंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खैर मुझे कोई कपड़ा धोना नहीं सिखाना मेरा मतलब बच्चों में इतना कॉमन सेंस नहीं होगा तो वे बीमार होंगे। आज की तारीख में बच्चे कमाना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं मैंने कहता, कमाना तो सीख रहे हैं, 10 लाख 12 लाख 25 लाख पैकेज कमा रहे हैं बढ़िया फटाफट, लेकिन उन बेचारों को खाना नहीं आता, फिर बीमार हो रहे, फिर दवाइयों का आता पता नहीं, जरा सर्दी हुई जरा नर्सिंग होम और नहीं तो इंटरनेट। अब वहाँ तो जाने क्या क्या लिखा रहता पता नहीं, हाँ बस वो उल्टा सीधा वो कर लिया या फिर हॉस्पिटल चले गए। थोड़े में बहुत समझ में, बच्चों को निर्णय सुनाना नहीं, निर्णय करने की ताकत देना, खरीदना सिखाना। करोड़ों रुपये मैंने कल आज सुबह कहा था ना सर, आज सुबह कहा था, गरीब आदमी होता है ना तो उसे पैसा का पता है तो देखभाल के खरीदता है, 10 जगह पूछ के खरीदता है, पहचान करके सीखता है कि कैसे खरीदना है। लेकिन जितने अपने बड़े बाप के बेटे होते हैं कभी खरीदा ना हो, अब इन्हें खरीदने का काम पड़ जाए तो सीधे ओके 1 किलो सफरजन 1 किलो टमाटर और कैसा दे रहा है, बासा है अच्छा ताज़ा है कुछ अच्छा पता नहीं, उसे निकाल के दे दिए और लेके आ गया, बाद में सवारा तब पता लगा, या फिर 1-2 दिन तक रखे रहे फ्रिज में तो ये समझा फ्रिज की वजह से सड़ गए, गलती किसकी ये पता ही नहीं इसको, समझ गए। फिर से कहता हूँ आपको, अनुकूलताओं में इतना मेहनत करो कि प्रतिकूलताओं समय मुस्करा सके। प्रतिकूलता सबके पास आती है, आती ही है। यदि मैं महावीर भगवान का नाम लेके बताऊं तो 12 बरस की तपस्या में देखो कितने उपसर्ग आए, कितनी प्रतिकूलता आई। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन देखो कितनी प्रतिकूलता आई है, सतियों के देख लो, पुराणों पुरुषों के देख लो, ये तो बिल्कुल नहीं समझना। फिर कह रहा हूँ आपको, आप सब ये मत सोचना आज जैसा दिन आज जैसी फैसिलिटी आज जैसा पुण्य का उदय सदा रहेगा, आज जैसी स्वस्थता सदा रहेगी, नहीं, धोखे में हो आप, तैयार रहो। मैंने समाधि मन के प्रवचन आज से 20-25 साल पहले किए थे, बहुत साल पहले किए, 2000 के पहले किए मैंने, वो अपने लिए किए मैंने, मैंने अपनी एनालिसिस किए उसमें, और इसीलिए आपको जो प्रवचन में दिखाई देता ना जो कुछ नवीनता सी लगती है आपको, वो इसीलिए आती है कि मैं सोचता हूँ, मैं कोरा पढ़ता नहीं हूँ, मैं बुकिश नहीं करता हूँ, मेरे वो एनालिसिस चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है, मुझे समाधान करना है इसलिए चलता है। आप करो, मजा तो तभी है जब प्रतिकूलताओं में मुस्कुराओ। गाने में तो सही लगता है, अपमानों में सम्मानों में क्या है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, बोल रहे बराबर है, लेकिन किस्मत पास होनी चाहिए, समझ गए। अब मान लो बच्ची नहीं बोलते, बच्चे नहीं बोलते तो आप बोलो, ऐसा हुआ तो क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे। मैंने ये जो चीज़ को मैंने बहुत शॉर्ट में बताई सब बात, इन सब का एनालिसिस आना ही चाहिए इन बच्चों को। और एक बार बताऊँ, बच्चे एक बार में काम करते हैं, मुझे तो कई बार लगता है छोटे बच्चे मुझे दे दो ना तो परफेक्ट होके निकलेंगे, भगवान ही बनेंगे बिल्कुल, क्यों वो एक बार में सीखते हैं, आप उन्हें समय से सिखाते नहीं। बताओ टेलीविजन पर बच्चे कुछ देखते हैं, क्या क्या गलत देखते हैं उसका आपने कुछ समझाया हमें, हम क्या करते हैं, गंदी बात अब नहीं करना, बोलना नहीं, सोचना नहीं, देखना मत, मोबाइल मत देखना, सुनो मोबाइल नहीं रोक पाओगे आप, न्यूज़पेपर नहीं रोक पाओगे, उसके गंदे दोस्त नहीं रोक पाओगे, बाहर का माहौल नहीं रोक पाओगे, तुम तो ये बताओ कि डिसीजन कैसे करना है। मैंने इन बच्चों को आप ही सिखाइए कि ऐसे कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है, लड़के क्या क्या सोचते हैं, आप बताइए उनको लड़के क्या क्या सोचते हैं, और यदि आपके साथ न्यूज़पेपर वाली ये घटनाएं आपके साथ घटी तो आपको कैसा फील होगा,
बच्चियों को 12 साल की उम्र से बताना शुरू कर दीजिए तो बच्ची इतनी तैयार हो जाएगी, उसको भूल करके भी लड़कों से अट्रैक्शन नहीं होगा, बातचीत की इच्छा नहीं होगी, फ्रेंडशिप की इच्छा नहीं होगी। और सुनो, इतना अच्छे से समझाइए कि किसी से घृणा ना करे, नफरत नहीं करे, बड़े हार्टली प्रेम से बोले भैया, इतने प्रेम से बोले भैया कि सामने वाला बच्चे का गलत परिणाम हो तो दूर हो जाए। समझ में आया? बच्चों को फिर कहता हूँ, बच्चों के दिमाग में कभी ये नहीं सिखाना ये दुनिया गंदी है, लोग गंदे हैं, समाज खराब है, रिश्तेदार खराब है, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं सिखाना। सुनो, दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, इसमें से हमें निकलना आना चाहिए। अब कैसे सिखाओगे जब मैं फिर आपको आपके लिए छोड़ दिया? इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय एक और है, मैं ले लेता हूँ, टाइम तो हो ही गया आपका। लू बात बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी तो नहीं होगी पूरी, लेकिन आप चाहें तो शिक्षा मंथन नाम की एक PDF हम आपको दे सकते हैं, आप ऑनलाइन क्या कहलाता है मोबाइल या कंप्यूटर पर जरूर पढ़ें। इस समय हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, इतना बड़ा धोखा हो रहा है, ब्लेंडर हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि आप सब स्ट्रेस में जिएंगे भविष्य। यदि आप फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं चाह रहे हों तो कम इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या धोखा हो रहा है हमारे साथ। मैं 2500 रुपये में मेरी पढ़ाई टोटल 1800 रुपये में हुई है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ थोड़ा और जोड़ दो 2500। मैंने एग्ज़ाम लगाया था तो मैं इतने ही हज़ार पैसे 2500 लगा लूँ मैक्सिमम, मेरी 2500 में MA हो गया, MCOM MA हो गया। आजकल के बच्चों को 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मैंने आम बात हो गई। और जितना ज़्यादा पैसा वाला उसका लड़का उतना ही ऊँचा सोच रहा है, उसे इंडिया अच्छा नहीं लग रहा, अमेरिका में पढ़ना है। काहे के लिए? क्यों? स्टेटस के लिए या योग्यता के लिए? कमाना संभव नहीं है भारत में पढ़ करके? कमाना संभव नहीं है? अमेरिका जरूरी है, लेकिन पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। मम्मी पापा भी ज़्यादा पैसा हो कि बच्चा तो चला गया, मैंने गया। अब आप सब में तारीफ करो, मेरा बेटा फॉरन में भणे छे कनाडा में, कोलंबिया में। आप उसकी रिपोर्ट पढ़ लो, चलो उन देशों की रिपोर्ट पढ़ लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं फिर वही कर, ये सारे देश की संस्थाएं 3 साल की उम्र से 22 साल की 25 साल की उम्र तक ये आपके लिटरेचर से दूर करती हैं, कल्चर से दूर करती हैं, ट्रेडिशन से दूर करती हैं। एक 22 साल की बच्ची अपनी मम्मी को नहीं पहचानती, 1% भी गलत हो तो बता देना। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूट होते तब पता लगता है कि मम्मी की सोच क्या है, मम्मी का विजन क्या है, मम्मी पापा के साथ इतना एडजस्ट कैसे कर लेती है। बच्चियों से पूछो, मैं नहीं कहूँगी मम्मी तुम बहुत बर्दाश्त कर लेती हो, ऐसे पापा को मैं तो ठीक कर दूँ, गलत कह रहा हूँ तो बोल देना। मैंने बच्चे इतनी जल्दी अनसेफ महसूस करने लगते हैं, अनसेफ इनसेक्योर महसूस करने लगते हैं, ये तो बहुत गलत शिक्षा हो गई। सुनो बेटा, सहनशीलता एक बहुत अच्छा गुण होता है, पूज्य गुण होता है, दूसरों के विचारों का आदर करना बहुत बड़ा गुण होता है, अपने विचारों को कंट्रोल करना बहुत बड़ा गुण होता है। जी कौन सिखाया? जी कहीं नहीं सिखाया जा रहा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं सिखाया जा रहा। 3 साल से लेकर 22 साल तक का बच्चा, उसने जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई आइडेंटिटी नहीं बची, सब एक जैसी ड्रेस, एक जैसा खाने का स्टाइल, एक जैसा एंजॉय करने का स्टाइल। इसीलिए आज एक लड़की जैन हो या कोई हो, उसे इंटरकास्ट मैरिज करने में 1% हेजिटेशन नहीं होता। क्यों? सुपेरेंट्स है, वो भी वही पिज्जा खाता है, मैं भी वही खाती हूँ। मैंने उनको कोई समझ में नहीं आता कि इसमें कोई फर्क, क्या फर्क पड़ गया, इतना अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब है कि ये नुकसान उधर से हो रहा है। 3 साल से 22 साल की उम्र तक बच्चियाँ पानी छानना नहीं जानती, कपड़े धोना नहीं जानती, भोजन बनाना नहीं जानती, ये बहुत बड़ा लॉस है। सुनो, ये बच्ची अब आपकी नहीं बची, लेकिन उन बच्चियों के लिए मैंने लेख में लिखा, एक लेख लिखा, उसमें लिखा मैंने बच्चियों के लिए, बेटा
जिस लड़के से तुम प्रेम कर रही हो शादी करना चाहती हो, जो अपने माँ बाप का विश्वास नहीं कर सकता, जिसके माँ बाप अपने बेटे का विश्वास नहीं कर सकते, वो तुम्हारा विश्वसनीय कैसे हो गया? नहीं समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? जो माँ बाप अपने बेटे का विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारे लिए वो विश्वसनीय कैसे हो गया? और लड़कों से भी कहता हूँ, जो लड़की अपने माँ बाप को ठुकरा सकती है, माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकती, माँ बाप से सलाह तक नहीं ले सकती है, माँ बाप से ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकती है, माँ बाप पर शंका करती है, वो तुम पर तुम्हारी विश्वसनीय कैसे हो गई? मैंने बहुत बड़ी बात कही है, समझ में आ जाए तो। पढ़ाई में ये बच्चे 1% काम करना नहीं जानते, एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चाहो तो एक काम करो, दी बेस्ट इंजीनियर को लाके खड़ा करो मेरे सामने, और मैं मजदूर को लाके खड़ा करता हूँ जो 6ठी फेल है या 8वीं पास है, कोई सी क्लास का भी, वर्कशॉप में जो वो काम कर रहा है ना, ये काम इससे करवा के बता दें। एक साइकिल का पंचर लगाने वाला व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है एक इंजीनियर और डॉक्टर की तुलना में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि अंधाधुन पढ़ाई के नाम पर, अंधाधुन खर्च करने के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, मुझे ट्यूशन के बारे में कहना है, कोचिंग, आज शायद आप सोचोगे कोचिंग ना लगाएं, लेकिन मेरे समय में भी वही दौर था कोचिंग का। मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ी, ट्यूशन में कोचिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता। 6th क्लास से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जो कुछ मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है, इसके सिवा दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ये राज बता रहा हूँ, राज, जिसके लिए हम 1-1 लाख रुपए दे देते हैं, 2-2 लाख रुपए दे देते हैं, 25,000 फीस देते हैं, मुझे इसलिए दया आ रही है, उस हर्ष क्यों नहीं आ पा रहा प्रवचन में। शाम को 6:30 से 8:30 की ट्यूशन थी कल उसकी, छुट्टियाँ चल रही हैं, जबकि परीक्षा हो चुकी है 9th की, 10th में अगले साल जाना है, स्कूल खोलेंगे अभी, अभी से ओवरलोडेड है मम्मी पापा, पढ़ खेलेगा कब बेचारा? मम्मी पापा के साथ कब बैठेगा, कब उठेगा? मंदिर, ट्रेडिशन, कल्चर, लिटरेचर, इससे परीक्षा कब होगा उसका? टोटली कट ऑफ। सुनो, अब आपको स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, आपका बच्चा भागने की तैयारी कर रहा है, आपकी लड़की इंटर क्लास शादी करने की तैयारी कर रही हो, आपका बच्चा आपके हाथ से गया, ये स्ट्रेस का कारण है। मैंने कौन से शब्द की व्याख्या करी? आज कायरों की संख्या बढ़ती जा रही है, यदि वीरों की शादी नहीं होगी तो कायर बढ़ेंगे, पॉइंट पकड़ में आए ना, कायर की संतान कायर होगी, ऐसे धर्मात्माओं की संतान धर्मात्मा होगी, मंदिर आने वालों की संतान मंदिर आएगी, पूजा करने वालों की पूजा करेगी, स्वाध्याय सम्यक करने वाले की संतान सम्यक लेगी, मुनिराजों की संतान मुनिराज बनेगी। समझ गए कुछ? थोड़ा सा इशारे में वो मुझे कहना है, आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की आदत मत डालिए। बच्चा कमाएगा, नहीं कमाए तो मुझे दे देना, नहीं कमाए तो मेरी जिम्मेदारी, दे देने का मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपके बच्चे बच्चियों क्या कमाना है, कितना कमाना है, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा उन्हें कमाने की स्टाइल। सुनो, आजकल के बच्चे लेबोरियस नहीं, 90% बच्चे पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्री रखे हैं लेकिन काम के नहीं हैं। बताऊँ कैसे? हर लड़के का एक ही सपना है, एसी और पैकेज 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना मिल जाए। अब बता, ऐसा बच्चा मरेगा नहीं तो क्या होगा? जो 12 घंटे एसी में रहेगा, फिर कार में एसी में रहेगा, घर में एसी में रहेगा, सुबह 8 बजे सो के उठेगा, एक्सरसाइज नहीं, व्यायाम नहीं, प्राणायाम नहीं, अब इतने भोले बच्चे मिलते हैं प्यारे प्यारे, पंडित जी बे रोटली खाऊं छू, तू ढोर है। इस उम्र में तेरे को सेल्स बनानी चाहिए, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये बात अलग से नहीं कहना चाहिए कि बच्चे मेरे पास अलग से आता है, इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, मसल पावर बढ़ाने का टाइम है जवानी, ताकि आखिरी 20-25 साल बिस्तर पे नहीं पड़े रहा, मसल्स बनाने का टाइम है, बॉडी में ताकत होनी चाहिए। जरा कोई बात,
मजा तो जमा इन बच्चों से, बेटे सब्जी लिया। अब ये क्या है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने टायर में सुई घुसा दी हो। बेटे नीचे से पानी भरना, आज मोटर नहीं चल रही, यहाँ तो काम नहीं पड़ता, हमारे यहाँ बहुत काम पड़ता है। पापा बाइक नहीं, रे गजब हो गया, आधा किलोमीटर तू बाइक के बिना नहीं जा सकता। मैंने लेबोरियस नहीं रहे, ये कहना है परिश्रम नहीं रहा। सुनो ऐसे पति पत्नी स्ट्रेस में है, इन्हें डेयर ही नहीं बचा, समाधान करने की शक्ति नहीं बची, जिसको आप कहते हैं इरिटेशन, इतनी इतनी बातें चीख चिल्ला चौट चुप चुप। आज के पति पत्नी तो ही पढ़ाई में बराबर है, तो जितनी पावर से वो कहता चुप, वो भी कहते चुप। अब बच्चा एम्पायर होना देख रहे, क्या करूँ क्या करूँ, इसे क्यों फील करता है वो कि मम्मी पापा के चक्कर में मेरा क्या होगा। वो संक्षेप में कहा है, बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाइए, पढ़ने में स्ट्रगल कर। हर बच्चे को कक्षा आठ तक आते आते रोटी बनाना आनी चाहिए, सब्जी बनानी आनी चाहिए, छोटे छोटे काम करने आने चाहिए। थोड़े में बहुत कह दिया है, समझ में। और ऐसे नहीं डांट मार के नहीं, बड़े प्यार से उससे आओ, नहीं करो उन्हीं से पूछो, बेटे सब्जी खरीदो, बेटा कपड़ा खरीदो, अपनी मम्मी के लिए कौन सी साड़ी खरीदोगे, देखो फिर उसे बताओ, बेटे ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसा ऐसा। मतलब उनको जजमेंट आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सिखानी चाहिए। अब आपका बच्चा बहुत ही नहीं बनेगा जो स्वयं का डिसीजन से काम लेगा ना, फिर से बोल रहा हूँ मम्मी पापा के डिसीजन से नहीं, जो स्वयं के डिसीजन से काम ले। सुनो दुनिया में उसे कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, टीवी उसे भटका नहीं पाएगी, मोबाइल अटका नहीं पाएगा, और कोई बेवकूफ लड़की नहीं बना पाएगी। नहीं समझ में आया, कोई बेवकूफ लड़की उसे फंसा नहीं पाएगी, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया कोई, तो पंडित समझदार लड़की तो फंसा लेगी, नहीं जो फंसाती है वो बेवकूफ ही होती है, कोई नहीं फंसाएगा। डिसीजन मेकिंग उसको भी होगी तो समझदार होगी, वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगी, उसे अपने मम्मी पापा का भरोसा है। फिर से बोलता हूँ बस अंतिम बात, टाइम तो बहुत हो गया, सवा घंटा हो गया, चलो अंतिम बात कहता हूँ, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा विकल्प आया, इसलिए कहता हूँ आपको, वीर बनाने का तरीका ए है। काय बात पे से एक और कहना चाह रहा था, देखो भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, देखो अच्छी बात थी कोई। चलो अभी तो अपन उठते हैं, भगवान की जय करते हैं, समय काफ़ी हो गया। एक बात कहते कहते ही रह गए सारे, कुछ फिलो आता है ना एकदम, फिलो तो रुक जाता है। चलो भूल ही गए, तो आ जाएगा तो रात को बता देंगे। कार्य करने का उत्साह बच्चों में बहुत होना चाहिए, कार्य करने का उत्साह बच्चों में बहुत होना है। उत्साह का समझ गए, मैंने बच्चों को बड़े प्यार से आगे बढ़ा, अपने साथ लेके चलो। डिसीजन देना मसीह, मुझे पता है डिसीजन देना सरल है, लेकिन डिसीजन निकलवाना कठिन पड़ता है। आप सबको भी समय दशा में जो बाधा है ना वो यही है, आपको डिसीजन करना नहीं आ रहा है, आपको डिसीजन याद करना आता है। आपको गुरुदेव का डिसीजन याद आ जाता है ना कि आए हो, लेकिन खुद करना नहीं आता। तो बच्चों में याद है जरूर, अच्छे संस्कार डालें है ना, और पढ़ाई में उन्हें स्ट्रगल करने दें। आप उन बच्चों में एक गुण जरूर देखें, परिश्रमी हों, ईमानदार हों। पिक्चर टेलीविजन देखते समय भी आपको एनालिसिस करके बतानी है, वो चीज़ें वो बतानी है आपको, उनसे पूछनी है, तुम बताओ तुमने क्या सोचा है इसमें, क्या पॉसिबल है। तो बस बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे। फिर से कहता हूँ, आज नहीं कल आप स्ट्रेस में जियोगे, स्ट्रेस में जियोगे। क्यों जियोगे, कि अभी अपन वो गलती कर रहे हैं, जितने गुणों की बात मैंने की वो आनी चाहिए हमारे बच्चों को। अपने बच्चों में याद आ गई मेरे को बात करने के बाद, सब बच्चों को बताता हूँ, सभी लोग ध्यान सुनना। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि सारी दुनिया खराब है, या तेरे दादा दादी खराब हैं, या तेरे पापा खराब हैं, कोई किसी के बारे में कहे, बस उसी समय आपने विश्वास सबसे भयंकर पाप किया। बच्चे रिलेशन में विश्वास करना खत्म कर देंगे, बच्चे रिलेशन में विश्वास करना खत्म कर देंगे।
बच्चे घृणा करना सीख जाएंगे। और ऐसी बच्चियों को और ऐसे बच्चों को कोई बड़े आराम से ठग लेता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरा फैमिलर है, लेकिन ये सब ऐसे फैमिलर हैं कि घृणा से भरे हुए। मम्मी आज तक पापा को नहीं समझ पाई, पापा आज तक दादा दादी को नहीं समझ पाए, इतने साल रहते रहते। इसका मतलब मम्मी पापा सही कहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे रिलेटिव नहीं है। और वो लड़का नकली होता है, रोज लाने वाला है गुलाब का फूल, पिकनिक कराने वाला, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने वाला, मीठी मीठी बातें देने वाला, तो ऐसा लगता है ओहो कितना सुनहरा संसार है। मैंने आपके जो बच्चों को आपने दिमाग में घुसा दिया ना, उससे ये हुआ है। बच्चों में घृणा नहीं फैला, बिल्कुल नहीं भरे किसी के प्रति, लेकिन रियलिटी बताए बेटे, इट इज रियलिटी। अपन सब मुनि नहीं ना, जितनी समता नहीं है बेटे, कमजोरी हमारी है कि पापा से हम स्ट्रगल करते हैं, मम्मी से दादा दादी से स्ट्रगल करते हैं। ये हम अपनी रियलिटी को स्वीकार करें, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करें, ताकि बच्चा इसको स्वीकार करे। फिर से सुन लेना, बच्चे को रियलिटी का पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए हमें सहना पड़ेगा, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, हमें तैयार रहना चाहिए। बस ये गुण जरूर आने चाहिए बच्चों। बाकी मैंने पिछली बार पेरेंटिंग में जो बातें बताई हैं वो आप सुन सकते हो, घाट को ऊपर में बताई है 1.5 घंटे की, इसके पहले भी मैंने और बताई है, 8 स्ट्रेस से बचने के लिए 8 पॉइंट बताए हैं। नाम तो अष्टमूल गुण है, लेकिन मैं समझता हूँ वो अष्टमूल गुण पढ़ने सुनने में ऐसा लगे जैसे ट्रेडिशनल है, लेकिन मैंने टोटली इम्प्लीमेंट करके बताया उसे कि आज की तारीख में आचार्य देवों ने 2000 बरस पुरानी, दो कह रहा हूँ वैसे तो अनादिकाल का ही है, लेकिन 2000 कह रहा हूँ, अनादिकाल से जीव को किन कारणों से स्ट्रेस होता है उसको लिखा है अष्टमूल गुण। यदि आप 8 मूल गुण का पालन करें, मेरी गारंटी है कि किसी को स्ट्रेस हो जाए। कौन से हैं वो आप वीडियो भी है उसकी ऑडियो भी आप सुनना, मैटर है तो वो भी ले सकते हो आप, और मैं आपको चाहूँगा कि वो आप जरूर सुने पढ़ें और बच्चे में भी गुण विकसित करें। अंतिम बात, बच्चों को आदर्श बनाने से पहले थोड़ा कठिन तो है, कठिन नहीं है, आदर्श बनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ध्वज, ध्वज के बारे में एक बात कह दूं मैं आपको, सुनोगे आप? आज अपने ध्वज उतारा पुराना, तो उसका करते क्या है, पहले लगाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा यहाँ करते ही बता रहे करते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ किसी भी मंदिर में ध्वज पुराना उतरे तो उसको कहीं छोड़ना नहीं चाहिए, उसको नदी में कर दो या जलाई दो, उसका परिणमन उसके पर्याय बदल दो, ताकि वो कहीं जीव घात ना करे। चलिए आप